संघ प्रमुख मोहन भागवत का अयोध्या दौरा है आज। उस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं आपको। बता दें कि 3 दिवसीय दौरे पर अयोध्या आएंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। 19 से 21 अक्टूबर तक अयोध्या में ही रहेंगे संघ प्रमुख। सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले भी आएंगे अयोध्या। अखिल भारतीय शारीरिक वर्ग सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे। राम जन्मभूमि के भी दर्शन कर सकते हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, अयोध्या आएंगे आज संघ प्रमुख मोहन भागवत और इस दौरान उनके क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे ये आपको दे रहा है जानकारी। 3 दिवसीय दौरे पर अयोध्या आ रहे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। रामानुज हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रामानुज, संघ प्रमुख मोहन भागवत अयोध्या आ रहे हैं, क्या एजेंडा है आने का अयोध्या और क्या उनका शेड्यूल रहने वाला है, महत्वपूर्ण कार्यक्रम क्या रहेंगे उनके? देखिए मैं उनका अगर बता दूं आपको कि संघ प्रमुख जो है वो 3 दिवसीय दौरे पर जो है अयोध्या आ रहे हैं और 19 से 21 तारीख तक जो है अयोध्या में रहेंगे। इनके साथ साथ सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले भी साथ रहेंगे और अखिल भारतीय शारीरिक वर्ग में हिस्सा लेंगे, वर्ग सम्मेलन में हिस्सा लेंगे जो कि संघ का ही एक हिस्सा होता है जिसमें जो है शारीरिक दक्षता को जो है सिखाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि राम जन्मभूमि के भी दर्शन जो है संघ प्रमुख कर सकते हैं और ऐसे में सारी तैयारियां जो है संघ की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। संघ का जो शिविर लगना है उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या पहुंच रहे हैं जो मोहन भागवत संघ प्रमुख। इससे कहीं ना कहीं और खास और माना जा रहा है कि पूर्वांचल हिस्से को और अवध हिस्से को भी इस जो कार्यक्रम है इसके दौरान साधा जा सकता है और कैसे 2022 का चुनाव इसके लिए भी मंथन हो सकता है संघ प्रमुख और तमाम और पदाधिकारी जो संघ के हैं उनके साथ जो है। तो जाहिर सी बात है बड़ा अहम हो जा रहा है ये दौरा अयोध्या का 3 दिवसीय दौरा। इसमें सिर्फ अखिल भारतीय शारीरिक वर्ग सम्मेलन ही नहीं और भी तमाम चीजें हैं जिसके अंदर जो है संघ प्रमुख रहेंगे और उसमें बातचीत करेंगे और माना जा रहा है कि टारगेट जो है 2022 का भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए संघ को दिया जा सकता है संघ प्रमुख द्वारा जो है। इस सारी जिम्मेदारी को लेकर जो है संघ प्रमुख अयोध्या पहुंचेंगे, बातचीत करेंगे और उसके बाद जो है 3 दिवसीय दौरे के अंदर तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी, चाहे वो राजनीतिक बिंदुओं पर भी और जिस सम्मेलन में हिस्सा लेने की बात कर रहे हैं उसमें भी कि कैसे दक्षता दी जाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि संघ की अगर बात की जाए तो प्रथम और द्वितीय और तृतीय वर्ष की अगर बात की जाए तो संघ के अंदर ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग जो है कहीं ना कहीं जो द्वितीय वर्ष का उसके लिए जो है हिस्सा लेने जो है संघ प्रमुख वहां पहुंच रहे। जी बिल्कुल रामानुज, जिस तरीके से दिल्ली की सत्ता के लिए लखनऊ का रास्ता जरूरी है वैसे ही उत्तर प्रदेश के लिए पूर्वांचल का रास्ता यहाँ पर जरूरी माना जाता है और यहाँ पर हम देख भी रहे हैं पूर्वांचल पर ज्यादा फोकस नजर आ रहा है तमाम पार्टियों का और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी का। और अब मोहन भागवत का अयोध्या आना, तो जाहिर सी बात है कि मोनका उत्तर प्रदेश, अगर उत्तर प्रदेश की सियासत की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में अगर कहीं से सियासत शुरू होती है तो पूर्वांचल से होती है क्योंकि पूर्वांचल एक ऐसा हिस्सा है जो हमेशा अछूता रहता है लेकिन राजनीति से अछूता नहीं है। और राजनीति में कैसे पारंगत स्थिति जो है वो पूर्वांचल के लोगों की होती है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगातार जो है पूर्वांचल के हिस्से से कई ऐसे मुख्यमंत्री जो है वो आए हैं और इतना ही नहीं पूर्वांचल हो और अवध इस दोनों क्षेत्र को साधने के लिए जो है ये बैठक भी अहम हो जा रही है। जी रामानुज, अखिल भारतीय शारीरिक वर्ग सम्मेलन जो है ये किस तरह का सम्मेलन रहने वाला है जिसमें हिस्सा लेंगे मोहन भागवत? देखिए अभी मोनका आपको मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है संघ का जो कार्यक्रम चलता है, संघ की शारीरिक दक्षता जो है वो पूरे भारत से जो है लोग वहां आएंगे, संघ के जो तृतीय वर्ष के लोग हैं वो द्वितीय वर्ष के लोग हैं वो वहां पर जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और ये सम्मेलन ही समझिए एक तरीके से किस तरीके से जो पूरा संघ की अगर बात की जाए, संघ जिस तरीके से कार्य करता है, संघ की पद्धति जो काम करने की वो बिल्कुल डिफरेंट है। कई प्रकार के लोग संघ से जुड़े रहते हैं, प्रचारक, पूर्णकालिक प्रचारक और जो है जो, तो ये सारे हिस्से जो है इसी ट्रेनिंग के द्वारा किए जाते हैं। 21-21 दिन का ट्रेनिंग कैंप लगता है और 3 महीने का भी ट्रेनिंग कैंप लगता है अंत में। तो जाहिर सी बात है इस एक तरीके से इस शारीरिक जो वर्ग सम्मेलन है इसमें जो हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं जो कि संघ का ही एक सम्मेलन है। जी चलिए शुक्रिया आपका रामानुज तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।